दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज एक और प्रोडक्ट मैं लाया हूँ अपनी बाइक के लिए। मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये है टायर इन्फ्लेटर। ये देखो इसमें क्या क्या है, मैं अभी अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ और क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ एक्चुअली, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इसमें चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। बने रहिए। तो इसमें आपको एक तो ये मिलेगा टायर इन्फ्लेटर, जिसमें ऊपर गेज बना हुआ है PSI नापने में। इसमें एक इशू है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या है। और ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये बॉक्स है, बॉक्स कंटेंट कुछ नहीं बचा है। एक ये है, ये आपका 12 वोल्ट सॉकेट है, जो कि आपका ये कनेक्टर के साथ आता है, इसमें कनेक्ट हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से। और आप किस और इसके अलावा एक और आता है ये वाला, जो आप जैसे बाइक वाइक में डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल्स में आप कनेक्ट कर सकते हो, प्लस पॉजिटिव माइनस में। और ये कनेक्टर है सेम, ये प्रोटेक्टर है इसका, ठीक है। तो ये जिनकी बाइक्स या बाइक्स में जैसे 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं होता, तो उसमें आप लगा सकते हो और अंदर ही छोड़ सकते हो। जब भी आपको यूज़ करना है, निकाल के यूज़ कर सकते हो। और ये दो बॉल पॉइंट होते हैं, ये शायद फुटबॉल के लिए होता है, ये कुछ साइकिल वाइकिल के लिए। तो फिलहाल इन दोनों का कोई काम नहीं, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैं ये बैटरी वाला रख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। तो फिलहाल मैं अपने बाइक की हवा निकाल दे रहा हूँ पूरी, उसके बाद आपको पूरा चेक करवाऊँगा कैसे क्या है, कितना टाइम लगता है एक टायर भरने में और क्या क्या इश्यूज हैं इसमें। ये देखिए पूरी हवा मैंने निकाल दी है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दबा के दिखा देता हूँ, ये देखिए सब ख़त्म। तो अब आगे इसका टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये कनेक्टर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वायर है अच्छी खासी लंबी है, फिर उसमें भी है। और ये मैंने अभी अपनी बाइक में नया चीज़ लगवाई है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, इसका भी मैं अभी बनाऊंगा वीडियो, आप देख लेना। इसमें दो पोर्ट्स होते हैं, मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो ये देखिए 12 वोल्ट इसमें वोल्ट दिखा रहा है और ये 12 वोल्ट सॉकेट है। दो USB पोर्ट भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये है, हम अगर गाड़ी बंद भी करते हैं तो भी ये ऑन रहता है। बस इसका मुझे दिखाना है जाके कैसे मैं इसको इग्निशन वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकूं, और जब इग्निशन ऑन हो तभी ये ऑन हो, क्योंकि अभी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसको। तो ये कनेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। आप डायरेक्ट बैटरी में भी लगा सकते हो, यहाँ पर जो बैटरी टर्मिनल होता है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा तार, ये रेस्क्यू टेक देख रहे होंगे नाम, सेम ब्रांड। इसको मैं यहाँ लगाऊंगा। हाँ, बस इसमें जो पहला इशू मुझे ये लगा, फर्स्ट इशू ये है कि इसका ये जो नोजल है, देखिए बहुत छोटा है, इतना बस इतना है। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो बहुत ये पास में रहता है, थोड़ा दूर नहीं आता इसमें। यहाँ नीचे लाइट भी है क्योंकि, और तो अगर ऐसे लगा देंगे तो ये लाइट घुमा के कोई मतलब नहीं है ऐसे देख पाने का, इस तरीके से कैसे घुमा के देखेंगे। थोड़ा और पास आ जाइए। तो ये इशू होता है इसमें। और दूसरा ये कि ये जो थ्रेड्स हैं ये ऐसे लग रहे हैं, ये स्क्रू वाला है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ये वेयर आउट ना हो जाए, तो फिर ये कभी लग नहीं पाएगा। अब इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। ये देखो कैसे लगाऊँ, ये ऐसे घुमा के लगाता हूँ जिससे गेज भी दिखे। ऐसे स्क्रू करना पड़ेगा। टायर पूरा एम्प्टी है, वरना प्रेशर इसमें आ जाता, जीरो है। घुमाने के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो टायर प्रेशर खाली है। अब मैं टाइमर के साथ बाइक ऑन करके दिखाता हूँ। हमेशा बाइक ऑन करके ही चलाएं इसको। स्विच ऑन करा लिया, देखो चालू हो गया। चालू कर दिया है। ये देखिए मेरी एक इशू ये है कि ये टायर जो है भरते समय बहुत हिलता है, वाइब्रेट करता है। दूसरा तीसरा इशू है, पहला पाइप छोटा था, दूसरा थ्रेड अच्छा नहीं है उसका, स्क्रू का, और तीसरा ये है। और एक और इशू है जो अभी आगे बताऊंगा मैं।
अब देखिए जैसे ये 25 तक पहुंच गया, अब मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, ये देखिए 25 है, अब मैं इसको निकालता हूँ। अब ये देखो बड़ा देर तक निकालना पड़ेगा स्क्रू इसका, ये सबसे दिक्कत ये है, घुमाओ और ये कभी कभी घूमता भी नहीं है लगता है। लगभग 2 मिनट के आसपास हवा भरेगी एक टायर में। ये देखिए हवा निकाल दी मैंने, ठीक है जीरो हो गया है। अभी फिर स्क्रू टाइट करूँगा, देखना प्रेशर कितना आएगा। ये देखो 20 आ रहा है, 20 से नीचे है, और जबकि वहाँ दिखा रहा था 25 था। तो ये एक इशू है इसमें, आपको ज़्यादा ही हवा भरनी पड़ेगी, एक्यूरेसी नहीं है गेज में। अब फिर रोकता हूँ, ये देखिए 30 आ गई, ये जीरो हो गई, अब देखो 25 हो गई, मतलब हमेशा 5 पॉइंट कम दिखाएगा एक तरह से। थोड़ा और भर देता है 25 तक, ये देखो 20 के कम आ गई। ये रिलायबल नहीं है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो खैर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा भरोसेमंद चीज़ नहीं है। हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, इसका वही एक इशू है, मेजर इशू यही है, PSI वाला काम नहीं करता है सही से, तो इस पे भरोसा कर नहीं सकते हैं भाई। मैं तो इसको नहीं यूज़ करूँगा, अमेज़ॉन से था, रिटर्न है, तो मैं इसको वापस कर दूँगा। बाकी आप लोग देख के लीजिए, मैं कुछ और ट्राई करूँगा फिर आपको बताऊँगा। बट इशू यही है कि भाई इसका ये बहुत छोटा है, जितना सा है लगाने में दिक्कत होगी, आगे तो लग जाता है, पीछे बहुत सारे डिस्प्ले वगैरह होते तब वहाँ इशू आता है लगाने में। उसके बाद जो आपका ये मेजर हिलता है ऐसे ऐसे जो डायल है वो भरोसेमंद नहीं है। उसके बाद 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाता है, ये कुरेसी नहीं। अभी मैं बाहर चेक कराऊंगा जाकर, तो पता नहीं कितनी PSI होगी, तब पता चलेगा। तो फिलहाल यही है, तो देख लीजिए अगर आपको लगता है। हाँ ये है कि कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, एक हाथ में आ गया, देखो मेरे, ये सबसे बढ़िया है, बैग वैग में रख सकते हो। यही है, ये मुझे 1000 का पड़ा था, 1050 रुपये का। बाकी आप लोग देखिए, आपको नीड है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। आजकल हर जगह पेट्रोल पंप है और हवा हर जगह भर जाती है। बस थोड़ा रिमोट एरियाज़ में नहीं होगा तो मैं तो यही कहूँगा सीधे क्या बोलते हैं, जो मैनुअल पंप होता है वो रख लो, ज़्यादा बेटर है, बैटरी भी बची रहेगी कम से कम, और इमरजेंसी में यूज़ करना रहता है बस। हाँ तो दूसरा प्रोडक्ट जो मैं बता रहा था ये है, ये देखिए, ये मैंने 3-in-1 वाला पावर सॉकेट मंगवाया था, जिसमें ये सिगरेट लाइटर वाला और ये USB पोर्ट वाले, 2 USB पोर्ट, इसमें वोल्ट और एम्पियर दोनों बताता है। तो इसमें ये भी लग जाता है जो कार वाला होता है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, गाड़ी ऑन करी, उसके बाद ये लगाया और ये देखिए ये ऑन हो गया, इसमें 12.3 दिखा रहा है वोल्ट, ठीक है। अभी मैं केबल कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये 3.0 वाला पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग वाला, नीचे नॉर्मल है। तो मैं जब फास्ट चार्जिंग में लगाता हूँ, एक मिनट मैं गाड़ी बंद ही कर देता हूँ, ज़रूरत ही क्या है, मोबाइल ही तो चेक कराना है बस। ये देखिए ये लगाया मैंने, और ये रहा फ़ोन, ये देखिए फ़ोन चार्ज होने लगा बढ़िया एकदम। इस तरह से मेरे पास 4 USB पोर्ट हो गए हैं, हालांकि इतनी ज़रूरत थी नहीं मुझे, 2 की ज़रूरत है। ये देखिए कितना वोल्ट डिफरेंस आया, 12.2 है, कम पावर लेता है तो 12 ज़्यादा अंतर नहीं दिखाता है। जैसे मैं वो चला रहा था टायर इन्फ्लेटर, तो ये 12-11 हो जा रहा था, लोड ले रही थी बैटरी, तो इस वजह से भी ये सही है, क्योंकि इसमें ये दिखाता है कि कितना वोल्ट आता है। और इसको मैंने देखो कैसे कनेक्ट किया है, जो ये तार था मैंने खुद ही किया था DIY, और यहाँ से नीचे से ला के, ये देखो यहाँ बैटरी टर्मिनल में यहाँ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल में और निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल में आपका फ्यूज़ भी रहता है, ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो इससे ये है कि आपका सर्किट सेफ रहेगा, कोई भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो। लेकिन बस ये है कि हमेशा ऑन रहता है, तो उसके लिए मैंने ये सोचा है या तो मैं स्विच लगवा लूँगा तार कटवा के, अगर तार नहीं कटवाता हूँ तो ये है कि जब भी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी करूँगा तो इसका ये निकाल लूँगा फ्यूज़ निकाल के, और फिर अपना चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ़िलहाल यही है,
और इसमें भी लग जाता है, ये देखिए इसमें लगाऊंगा तो भी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दो पोर्ट है। इसके साथ एक माउंट और भी आता है जो यहाँ पे लग जाता है, ऐसे खड़ा लग जाएगा तो यहाँ निकल जाएगा, तो उसमें मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सही आ रहा था, परफेक्टली फाइन है, वो है दिक्कत नहीं करेगा बीच में। तो ये है सीन। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर ये प्रोडक्ट आपको लेने हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर लीजिए और उससे मेरे को हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।